तो ये थी हमारी लॉन्ग वेकेशन की अनप्लान्ड ट्रिप। पहले तो कुछ भी प्लान नहीं था, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि इस बार कुमाऊं मंडल जो है वो एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यहाँ हम गए नहीं थे। और कुछ भी प्लान नहीं था कि कहाँ स्टे करना है, कहाँ कहाँ विजिट करना है। सडनली फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला चंपावत रुक जाओ, वहाँ मैंने आपकी बुकिंग करवा दी है। तो फर्स्ट स्टे हुआ हमारा चंपावत सर्किट हाउस। वैसे अभी दो व्यू पॉइंट्स पड़े थे और वहाँ हमने गाड़ी नहीं रोकी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सो रही थी और ये जग जाती, लेकिन फिर हमें इस जगह रोकनी पड़ी। इस जगह रोकनी पड़ी क्यों? क्योंकि इन्हें चूचू आ रही थी। तो दिस वॉज रियली वंडरफुल स्टे। और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, अबाउट माउंट जाएंगे, बाकी हर जगह जाएंगे। बहुत अच्छी सनलाइट है, पार्क है, सब चीज़ें हैं। और ये चंपा तो सिटी से ऊपर है बहुत, तो मतलब सिटी नीचे है बिल्कुल और हमें बिल्कुल ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं बालेश्वर मंदिर। हाँ तो ये तो देख नौला, नौला बेसिकली नाला हिंदी में वैसे बोल दिया जाए, कुआं अच्छा उसमें से पानी आता है। उसमें निकासी होगी, सीढ़ियां बनी इसके अंदर। ओहो इसके अंदर पानी की स्टेप स्टेप वो तो होती है कुएं में। ओहो तो बेसिकली कुआं है ये। ओह सॉरी बैक दे दो। चलो फ्रीली बोल दे रहा हूं। अभी हम जा रहे हैं किधर? बालेश्वर टेंपल, क्योंकि रेड तो यह बालेश्वर मंदिर और ये 13th century का है और यहाँ की नक्काशी जो है वो उसी टाइम की है। मतलब ऐसी नक्काशी जागेश्वर मंदिर में भी नहीं है और एंशियंट, बहुत सुकून। मतलब इस बेल्ट में आने, मतलब उत्तराखंड की इस बेल्ट में आने का ये बेनिफिट है, आपको कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगी, आप तसल्ली से दर्शन कर पाओगे। बालेश्वर मंदिर के बाद जोशी जी हमें ले गए गोलू देवता मंदिर और घटोत्कच टेम्पल। गोलू देवता के दर्शन हो गए हमारे, अर्जी अर्जी हमने लगा दी और हम जा रहे हैं वापस किसी दूसरी जगह। ये है घटोत्कच टेम्पल, यहाँ हमने करे अभी दर्शन। मतलब लिटरली पीसफुल जगह है भाई साहब। पीछे कुछ लोगों ने टेंट लगा रखा था, आई डोंट नो कि वो नाइट स्टे तो नहीं किया होगा, ऑब्वियस है। तीन टेंपल्स घूमने के बाद चौथी डेस्टिनेशन थी हमारी चंपावत का टी एस्टेट। ये यहाँ का चाय बागान चंपावत है, बेसिकली टी एस्टेट है पूरा यहाँ पर चंपावत का, जो कि सबसे पहले तो आसाम में हुआ करता था, आसाम के बाद कौसानी। अच्छा कौसानी में ये सब टी ट्री डोरा, इस बार इसे घास मिल जाए और लकड़ी मिल जाए। सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक लकड़ी और एक घास। अब मैं इसकी लीज छोड़ भी दूंगा ना, तब भी ऐसी बैठी रहेगी, कुछ नहीं करेगी। और वैसे अगर इसकी लीज छोड़ दी तो बस। तो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ, और अभी एक्चुअली ये लॉक्ड है तो यहाँ की कीज मंगाई हैं। अब ये कीज आके ये खुलेगा, फिर हम यहाँ विजिट करने जाएंगे और इसके बाद देखते हैं क्या करना। कितना प्यार कर रही हो, देखो ना तुम लोग उसे प्यार कर रही, उसने करा क्यों क्या? तुम भाग रहे हो तो भाग रही हो, अंकित को तो टिक गए। बेटा छोड़ छोड़ दो, दीदी को छोड़ दो। ओली ओली तू बोलो ले बोयो तो ओली बोयो चलो डोरा डोरा काम। डोरा छोड़ने नहीं चाह रही इन लोगों को, सबसे प्यार मिल रहा है। अरे तो ये यहाँ का टी गार्डन है विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। डोरा इज एंजॉयिंग द लीव्स। ये यहाँ छोटा छोटा सा बीच बीच में रास्ता है एंड दिस इज लिटरली ब्यूटिफुल। आई डोंट नो बट मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ टी गार्डन, आई लव्ड इट। इट इज फाउंटेन, हाँ पानी देने के लिए।
सी फाउंटेन्स लगा रखे हैं बीच में, ऐसा रास्ता है ऐसा। और वो टावर है वॉच टावर आई थिंक कि जिससे पूरा चंपावत है, पूरा टी गार्डन है। अभी दिखाएंगे हम अंकल। तो ये है टी स्टेट, टी गार्डन चंपावत का, और ये यहाँ तक फैला है। बेसिकली वो भी है, वो जो दिख रहा है वो भी टी स्टेट है। हर जगह टी फार्मिंग होती है, और सबसे पहले तो असम में होती थी। असम से मतलब यहाँ जो है अभी 30-35 साल हुए होंगे, सबसे पहले कौसानी में शुरू हुआ, कौसानी के बाद अब यहाँ भी शुरू हुआ है। तो बस यही है। और यहाँ एक ये शेड बना रखा है बहुत सा फोटोशूट के लिए, जैसे आपको पूरा चंपावत भी दिखाई देगा। ये पूल भी हुआ करता था जो कि अब सुखा दिया गया, मतलब वहां से सारा पानी निकाल दिया। बेसिकली इसलिए निकाल दिया गया कि लोग आते थे, रैपर्स फेंक देते थे अपनी वो ही पुरानी ह्यूमन टेंडेंसी। क्यों ये तो घास भी नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, चलो उतो भैया, उतो उतो भैया, चलो रुको देखते हैं। अभी इस वाले स्टेयर्स पे नहीं चढ़ रही थी, उसे मैं उठा के लाया। नहीं छोड़ो तो, एक बार ट्राई तो करने दो इसे, नीचे हाँ नीचे वाले पे ठीक है। आगे धीरे क्या वो नीचे स्पेस दिख रही है। कॉन्कर्ड द फोबिया, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्यू। हवा ठंडी है, धूप है, लेकिन वो बस डोरा को लग गया रॉकेट। देखो 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 कैसे खींच रही है, इसकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। ओफ 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 बाहर देखने को चाहिए ही चाहिए, बैठ नहीं सकती। फिलहाल हम आए मंदिर और टी गार्डन, और अभी हम आ गए वापस सर्किट हाउस, और ये कर रही है मौज। मैं दिखाता हूँ, बस ये तो सूदिंग धूप है, सूदिंग एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट है लोहा घाट, मैनमेड लेक, मायावती आश्रम एंड अबट माउंट।